अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बर्फी। चलो तो मैं इसके इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। इसके लिए मैंने लिया है 2 कप मिल्क पाउडर, 1/2 कप पाउडर शुगर, 2 कप मिल्क, ड्राई फ्रूट्स, 1 टीस्पून इलायची पाउडर, 1/3 कप घी। चलिए व्यूवर्स, तो बर्फी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में मिल्क पाउडर डालेंगे। इसमें घी मिला लेंगे। और साथ ही में दूध भी मिला लेंगे। इन सारी चीजों को बराबर से मिक्स कर लेना है। देखिए व्यूअर, सारी चीजों को मैंने बराबर से मिक्स कर लिया है और यहाँ पर मैंने कढ़ाई भी गर्म करने के लिए रख दी थी, तभी ये बैटर को मैं इस कढ़ाई में ट्रांसफर कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसको हमें गाढ़ा होने तक बराबर से मिक्स करना है और चम्मच हमें चलाते ही रहना है, ये नीचे लग नहीं जाना चाहिए। देखिए व्यूवर्स, 5 मिनट से मैं लगातार चम्मच लगा रही हूँ और कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कैसी ठीक हो गई है। हमें ऐसी ही गाढ़ी कंसिस्टेंसी चाहिए। और अभी इस स्टेज पर मैं इसमें पाउडर शुगर मिला लूँगी और साथ ही मैं इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट्स, इन सारी चीज़ों को भी बराबर से मिक्स कर लेना है। शुगर डालने से मिक्सर ज़रा पतला होगा तो गाढ़ा हो जाने तक हमें इसे वापस भूनना है। देखिए व्यूवर्स, 2 मिनट हो चुकी है और इस तरह से हमारी कंसिस्टेंसी हुई है। अभी 5 मिनट तक और ज़्यादा इसे भूनने की ज़रूरत है। व्यूवर्स, आप भी इस बर्फी को ज़रूर से बनाइएगा। घर पे आसानी से ये बन जाती है। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और नीचे जो बेल का आइकन है उसे क्लिक करना ना भूलिएगा। देखिए व्यूवर्स, 5 मिनट हो चुकी है और ये कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी हो गई है। इतनी थिक कंसिस्टेंसी हमें रखनी है। तो बर्फी के लिए ये हमारा मिक्सर रेडी है। तभी गैस की फ्लेम को मैं ऑफ करती हूँ। व्यूवर्स, बर्फी को सेट करने के लिए यहाँ पर मैंने ये डिश ली है। इसको मैंने घी से ग्रीस कर लिया है और बटर पेपर लगाकर इसके ऊपर भी घी मैंने लगा लिया है। तो अभी हम बर्फी को सेट कर लेते हैं। इस तरह से पूरी डिश में इसे स्प्रेड कर लेना है। और इसे इवनली स्प्रेड करने के लिए 1 चम्मच में घी लगाकर इस तरह से इसको प्रेस कर लें। और साथ ही मैं उसके ऊपर थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल लूँगी। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्जी के हिसाब से डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो। मैंने यहाँ बादाम और काजू लिए हैं। फिर वापस इसको स्प्रेड कर लेना है और प्रेस कर लेना है। देखिए,
ये बर्फी को मैंने सेट कर लिया है। अभी इसको हम सेट करने के लिए एक घंटे तक छोड़ देंगे। देखिए व्यूवर्स, एक घंटा हो चुका है और हमारी बर्फी सेट हो चुकी है, तो अभी मैं इसे कट करके सर्व करती हूँ। देखिए व्यूवर्स, लग रही है ना बाजार जैसी बर्फी। अभी ईद हो या दिवाली हो, आपको बाजार से बर्फी लाने की जरूरत नहीं रहेगी। घर पे ही आप आसान तरीके से मजेदार बर्फी बना सकते हो। मैं तो मेरे घर वालों को बर्फी सर्व कर रही हूँ, आप किसका इंतजार कर रहे हो? बनाइए, खाइए और घर वालों को खिलाइए, और मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा आपको ये बर्फी की रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, नीचे बेल का आइकन को क्लिक करना ना भूलेगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।